हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम पहले लेके चलते हैं। एक तरह से हमें जो है प्रूफ करना होता है, इसमें जो रिजल्ट दे रखे हैं उनको प्रूफ करना होता है। पहले हम 1 के लिए प्रूफ कर देंगे, 1 के लिए जब प्रूफ हो जाएगा फिर हम मान लेंगे वो जो क्या है के लिए भी जो है वो क्या है प्रूफ है। के लिए भी हमने अज्यूम कर लिया वो भी ट्रू है। जब के लिए ट्रू अज्यूम कर लिया तो हमें शो करना है क्या K+1 के लिए, ठीक है, वो जो है प्रूफ करना है हमें दोनों जो साइड है LHS RHS इक्वल आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रूफ दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल जो हैं सारे हैं। तो एक सवाल अच्छे से समझ लिए, प्रोसीजर समझ लिए, ठीक है, उसका एल्गोरिदम समझिए किस तरह से हमें जो है सवाल करना है। एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से जो है इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट कर ही लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद रखा है ।. (n-1)(3n-1)/2 ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको pn मान लिया, n की टर्म में दे रखा है तो हमने pn मान लिया, ये 2 है बेटा। तो 1 + 2 + तो यहाँ पे n-1, इसी तरह से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब 4 हम बात करेंगे n=1 के लिए। n की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे क्या मिलेगी, 1 टर्म जो एक टर्म है वही मिल जाएगी, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करा 1, उसका सेकंड थर्ड टर्म है ना। तो यहाँ पे जो है मुझे 1 मिल गया, ठीक है। p1 कितना मिला, 1 मिला। इधर 1 पुट करा 3 की पावर 1, तो 1 3 रहेगा, माइनस का 1 2 बचा, 2/2 1 विच इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। दोनों रिजल्ट जो है LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, ये क्या है ट्रू। हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, कुछ पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने अज्यूम कर लिया वो क्या है, वो जो है ट्रू है। जब ट्रू है तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा मुझे इस तरह का 1 + 3 + 3 स्क्वायर k-1। n की जगह मैंने क्या रख दिया, कुछ नहीं करा, n की जगह मैंने k उठा के रख दिया, सिंपल, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया, ये जो है मुझे यूज़ करना आगे, ठीक है, आगे जो है प्रूफ करने के ये काम आता है। अब करना मुझे वी सेल नाउ प्रूफ दैट द pk+1 इज आल्सो ट्रू। अब मुझे ये प्रूफ करना pk+1 भी ट्रू है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो k+1 हमें रखना है n की जगह या k की जगह, यहाँ से k+1 रखा। अब देखिए इस तरह से मैंने चला रहा हूँ, यहाँ तक गया, ये जो टर्म है ये कहाँ तक टर्म है, k टर्म तक है। अब जैसे इसके आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, k+1 वाली, ठीक है। जब यहाँ तक मैंने क्या लिख दिया, k लिख दी, k+1 एक टर्म और आगे बढ़ गई, तो इसमें जो है क्या करूँगा, k+1 मैं ऐड कर दूँगा। जब मैंने k-1 था, k की जगह k+1 रखूँगा, k+1 रखा, -1, तो -1 क्या बचा, 3k। जो k+1 जो आएगी, k+1 टर्म जो होंगी वो लास्ट कुछ टर्म जो होगी क्या होगी, 3k। इससे पहले वाली टर्म क्या है, 3 की पावर k-1, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 3 की पावर k-2, इसी तरह से चला जाएगा। इसके आगे जाएगी 3k+1 जो टर्म होगी, किसकी, k+2 की। तो मैं k+1 तक दे रखा, मैं k+1 के लिए प्रूफ करना है, तो k हो जाएगा इसका। यहाँ पर जो है मैंने 3k+1 आ गया, ठीक है, k की जगह k+1 -1/2। ये जो है क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है। तो मुझे LHS लेके चलना है और RHS लेकर आना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ दो टर्म लिखना है, एक लास्ट वाली टर्म, एक उससे पहले वाली टर्म। क्यों, क्योंकि मुझे जो यूज़ करनी है इसकी जगह पर यूज़ करना है क्या, क्योंकि मुझे सिंपल करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, इसकी जगह यूज़ करना है मुझे क्या, जो मैंने अज्यूम करा था, है ना, बस ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS हमारे पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3k-1, ठीक है, +3k मैंने अलग कर लिया इसी वजह से, इसकी वैल्यू जो क्या है 3k 3 की पावर k-1/2 वैल्यू पुट कर दी, 3k मेरे पास बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 इधर आ गया। अब ये 2 ये इनटू जो है मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स क्या है 3k और 1 टाइम्स क्या है 3k, तो 1 और 2 कितना हो गया 3 times 3k - 1। अब जब ये मल्टीप्लाई में होता है उनकी पावर जो है ऐड हो जाती है, तो ऐड होने के बाद क्या आ गया 3k+1 -1/2, ये किसके बराबर हो गया, RHS। 10 pk+1 इज़ ट्रू वेन एवर, कब, जब pk भी क्या होगा ट्रू है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑफ द इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है।
तो इधर रखा वन की क्यूब प्लस टू की क्यूब प्लस थ्री की क्यूब प्लस एन की क्यूब एन 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 प्लस वन अपन में टू की पावर, इसका तो पावर टू। लिखने का तरीका देखिए, मैंने लिखा पी एन, इसी तरह से मैंने उतार दिया इसको। फोर एन इजिकल टू वन के लिए प्रूफ करा, एल एच एस जो आई क्या आएगी, वन की क्यूब क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। आर एच एस एन की जगह मैंने वन रखा, वन तो वन प्लस वन कितना होगा टू, टू से टू कैंसिल हो गया, वन की पावर कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो वन के लिए प्रूफ हो गया, पी वन के लिए वन टर्म होगी। एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, सो पी वन इज ट्रू। अज्यूम दैट पी के बी ट्रू, पी के भी ट्रू होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, तो मैंने एन की जगह क्या रख दिया, सीधा सीधा के रख दिया। अब करना मुझे नाउ टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू। तो क्या है यहाँ पर, इस तरह से चला, एक टर्म और ऐड होगी, कौन सी, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन वाली। ठीक है, के प्लस वन वाली टर्म हो गई, यहाँ तक जो थी क्या थी, के तक थी, के प्लस वन वाली एक और टर्म आ गई, के की जगह क्या रख दिया, के प्लस वन, उससे नेक्स्ट टर्म के प्लस टू है ना, तो के प्लस वन तक निकालनी है, तो हमें हमारी जो लास्ट टर्म होगी ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल एच एस, ये क्या है, आर एच एस। ठीक है, तो मैंने एल एच एस लेके चला। ठीक है, एल एच एस क्या है मेरे पास, एल एच एस ये पूरा है, अच्छा ये पूरा लिखना था एक बार, कोई नहीं, दोबारा आप लोग एक बार और लिख लेना। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेना, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इतने की जगह क्या पुट कर दिया, मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, के प्लस वन की होल क्यूब है। ठीक है, ये मुझे लेके आना था, ये मुझे लेके आना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सॉल्व करा, इसमें से के प्लस वन होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर बचा के, के स्क्वायर बचा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आ गया, इधर आ गया, इसका स्क्वायर करा फोर, नीचे आ गया, के स्क्वायर बचा। ठीक है, तो यहाँ हो जाए हमारे पास कितना, के प्लस वन बच गया ब्रैकेट में, कितना बचा, अच्छा सॉरी, यही मैंने कॉमन ले लिया, के के प्लस वन स्क्वायर कॉमन लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, के स्क्वायर अपन में फोर प्लस के प्लस वन एक बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा, के प्लस वन का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करा, ये आ गया, ये क्या है, के प्लस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। तो के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस टू अपॉन में टू का होल स्क्वायर मैंने पूरा कर दिया है ना, होल कर दिया, तो ये किसके बराबर है, आर एच एस के। दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर, जब पी के इज ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, वन प्लस अपॉन में वन अपॉन वन प्लस टू। ठीक है, इस तरह की हमें जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है थ्री, इसमें कुछ नहीं है, पी एन मैंने इसको मार लिया, एन इजिकल टू वन पुट करा तो ये वैल्यू आ गई वन, इसमें पुट करा वन तो कितना आ गया, टू टू वन आ गया। ठीक है, तो एल एच एस आर एच एस इस बराबर आ गया, तो पी वन के लिए ट्रू हो गया। तो पी के लेट लेट करिए, मैंने अज्यूम करो, लेट करो एक ही बात है, लेट कर लिया, पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, सच दैट एन की जगह मैंने क्या रख दिया, के रख दिया उठाकर। उसका प्रूफ करना है मुझे के प्लस वन के लिए। ठीक है, तो के तक तो के प्लस वन के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो वन प्लस वन अपॉन टू, इससे पहले एक टर्म और होगी जो मुझे लिखना है यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखी है, तो इससे पहले पहले वाली टर्म क्या होगी, वन अपॉन में यहाँ के तक, उसके बाद के प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास कितना, वन प्लस टू प्लस में के। ठीक है, तो मेरे पास क्या आई, इस तरह के मेरे पास ये क्या है, एल एच एस है, ये आर एच एस है। ठीक है, तो एल एच एस लिया मैंने, एल एच एस मैंने उठा कर ले लिया। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे लिखा, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, टू के प्लस वन, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी टू के प्लस वन, ये मेरे पास ऑलरेडी था। उसके बाद एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, इसका ये, इसका देखिए क्या होता है, वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस एन क्या होता है, एन, एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वन प्लस टू प्लस टू के प्लस वन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, एन की वैल्यू क्या है, के प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, के प्लस टू, तो इनका जो सम आएगा, इनका सम किसके बराबर होता है, के प्लस वन और के प्लस टू के बराबर, ये या आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास के प्लस वन है, तो दोनों का एलसीएम लिया, पहले कॉमन ले लेते हैं, टू के प्लस वन दोनों में से कॉमन आ गया, इधर के बचा प्लस में वन अपॉन के प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया, ये बन गया के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, के प्लस टू नीचे है, के प्लस वन एक नीचे था, इससे कैंसिल हो गया, तो टू के प्लस वन अपन में के प्लस टू, ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर, कब, जब पी के इज ट्रू, जब पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, 1.2.3, ये जो मल्टीप्लाई है ना, जो पॉइंटों में ये वन मल्टीप्लाई है,
ठीक है, इस तरह का सीरीज दे रखा है, मैं प्रूव करना है एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। वन के लिए प्रूफ करा तो वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री कितना आ गया सिक्स, इसमें रखा वन तो ये तो वन हो गया, ये टू, ये हो गया थ्री, ये फोर, फोर से फोर कैंसिल, थ्री की टू में करी कितना आ गया सिक्स, तो ये क्या है ट्रू है फोर एन इजिकल टू वन के लिए। तो लेट करा या ज्यूम करा पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट, मैंने जो है क्या करा एन की जगह क्या रख दिया के रख दिया इस स्टेप में, एन की जगह के रख दिया। अब मुझे प्रूफ करना है के प्लस वन के लिए, ठीक है के प्लस वन के लिए मैंने प्रूफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ठीक है। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस टू, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है एल एच एस, ये क्या है आर एच एस। जैसे मैंने आर एल एच एस लिया तो उससे इससे पहले वाली टर्म भी लिख ली मैंने, ये लिख दी इससे पहले वाली टर्म, है ना, जो मुझे इसकी जगह पुट करना है ये, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म जो है ये है, तो इसकी जगह मैंने पुट करा के, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री अपॉन फोर, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमन लिया के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, इधर बचा के प्लस में अपॉन में फोर, इधर बचा प्लस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना के प्लस फोर डिवाइड बाई में फोर, जो इसके बराबर आ जाएगा आर एच एस के बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर जो आया था, उसके बाद जो है फोर में फोर सबके नीचे है मल्टीप्लाई में, ये हो गया के प्लस फोर, किसके बराबर है आर एच एस के बराबर। के प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, पी एन लिया वन, वन मल्टीप्लाई टू प्लस में टू मल्टीप्लाई टू की पावर टू, है ना। तो इसी तरह से हमें दे रखा है, ये इस तरह का सम दे रखा है हमें, एन के लिए पुट करा तो ट्रू आ गया थ्री की मल्टीप्लाई वन में करी थ्री, इधर वन पुट करा तो ये हो गया थ्री की पावर टू, यह आ गया वन प्लस थ्री कितना हो गया तीन, तिया नौ, नौ और चार, नौ और तीन बारह, चार से ग्यारह, चार तिया बारह, ये वन के लिए भी ट्रू हो गया। तो एन की जगह मैंने क्या ले लिया के ले लिया, अज्यूम कर लिया लेट के पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट, के की वैल्यू रखी ये आ गई। उसके बाद नाउ वी प्रूव दैट के प्लस वन के लिए भी क्या है ट्रू होना चाहिए। तो मैंने जहाँ के प्लस वन तक लिख ली इसमें, ठीक है, ये है हमारे पास एल एच एस, ये आर एच एस, तो एल एच एस लिया, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कहाँ से मिलेगी, ये जो है इसकी वैल्यू मिलेगी क्या यहाँ मिलेगी, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद एल सी एम लिया, सॉल्व करा, देखिए एल सी एम ले लिया, सॉल्व करके फोर की तरह मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद थ्री के प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, टू के माइनस वन, इधर बचा कितना फोर के प्लस का फोर, थ्री मैंने अलग लिख लिया, सबके नीचे क्या है फोर है। उसके बाद और सॉल्व करा थ्री के प्लस वन, के प्लस थ्री, प्लस थ्री अपॉन में फोर, इसमें से थ्री कॉमन ले लिया, ठीक है, थ्री कॉमन ले लिया, टू के प्लस वन बचा प्लस थ्री, अब इसकी पावर जो है वन है मल्टीप्लाई में, तो के प्लस टू हो जाएगी इसकी पावर, टू के प्लस वन इधर आ गया प्लस थ्री, ये किसके बराबर है आर एच एस के बराबर, ठीक है। ट्रू फोर एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए भी जो है हमारे पास ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हमारे पास सम दे रखा है इस तरह का, है ना, तो एन इजिकल टू वन पुट करा तो टू आ गया, इसमें पुट करा वन तो कितना मिला मुझे, थ्री से थ्री कैंसिल कितना मिल गया टू मिल गया, एल एच एस किसके बराबर है आर एच एस के, तो वन के लिए ट्रू हो गया। मैं लेट कर लिया वो क्या है के लिए भी क्या है ट्रू है, जब के लिए ट्रू है तो ये मिलेगा मुझे जो सम मिलेगा। उसके बाद प्रूफ करना है मुझे के प्लस वन के लिए, के प्लस वन के लिए मैंने जो है के प्लस वन यहाँ पर जो है के प्लस वन पुट कर दिया के की जगह, ठीक है, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ठीक है। अब देखिए एल एच एस लिया, ठीक है, ये हो गया के, के प्लस वन, उसके बाद टर्म जो होगी ये आएगी इससे पहले वाली क्या है के प्लस वन, ठीक है, ये टर्म जो है इसकी जगह क्या रखना है मुझे, ये उठा के रखना है के प्लस वन, के प्लस टू अपॉन थ्री, के प्लस वन, के प्लस टू ऑलरेडी है, के प्लस वन, के प्लस टू मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना के प्लस थ्री अपॉन इधर बचा वन, ये हो गया के प्लस थ्री, थ्री ऑलरेडी सबके नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, किसके बराबर हो गया आर एच एस के। पी के इज ट्रू वैन एवर पी, के प्लस वन इज ट्रू वैन एवर कब, जब पी के ट्रू होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो चैप्टर फोर है इलेवंथ क्लास का, तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।